राकेश निरस्त मामले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कोई ना कोई कमी रह जाती है जिसका सुधार किया जा सकता है, कमी रह गई होगी उसका सुधार कर लेंगे। साथ ही मदन दिलावर ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए, कोई कमी रह जाती है तो उसका सुधार किया जा सकता है, कमी रह गई होगी छोटी मोटी उसको सुधार कर लेंगे। हम ऐसा तो नहीं करते कांग्रेसियों की तरह, पांच रुपया खा लिया तो फिर एक करोड़ रुपये भी खाएंगे, दो करोड़ रुपये भी खाएंगे। हम सुधार करते हैं, आगे कमियां करने के लिए नहीं बढ़ते हैं। अब डोडासरा जी क्या है, मैं ऐसे जो लोग है ना जो प्रदेश को लूट कर खा गए हैं, जनता के साथ ज्यादतियां की है, बलात्कारियों को सहयोग दिया है, आतंकवादियों को ससम्मान बोलते हैं, ऐसे लोग के बारे में क्या बात करना है, निकृष्ट लोग हैं। ब्यावर में बुधवार देर शाम सड़क हादसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि 24 से अधिक यात्री घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक भरतपुर से सांचौर जा रही बस खरवा के पास डिवाइडर से टकरा गई जिससे बस का टायर फट गया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें एक यात्री की मौत है। वहीं 24 यात्री घायल हो गए जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है, जिनमें से चार गंभीर मरीजों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने क्रेन से बस को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करवाया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के शास्त्री नगर इलाके में फांसी लगाकर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। छात्र के कब्जे से एक सुसाइड नोट भी मिला है और जिसमें उसने लिखा है कि वो अपने परिजनों पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। मानसिक तनाव के चलते ही छात्र ने मौत को गले लगाया है। छात्र उत्तर प्रदेश के